जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, पहले ये सिस्टर वगैरह, चार चार सिस्टर है मेरे से बड़ी। जी मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम जसवंत सिंह। जी स्वागत है गुरु भाई जी। हाँ जी, जी आप बताइए। सूरज कुमार और वगैरह, अच्छा चार मेरी बहनें हैं बड़ी मेरे से। अच्छा, हाँ जी, वो सब पहले से जुड़े हुए 10 साल से। अच्छा सूरज कंवर जी जो जयपुर की हैं वो पहले जोधपुर में थी, अभी इधर कर्नाटक में। अच्छा हाँ जी, अभी बात कर रहे ना, वो मोबाइल उनका ही है वो। हाँ, हाँ जी, वो जान तो बहुत पहचान पहले तो मेरे कई बहनों से है गुरु भाई जी। कई लोग प्रोग्राम में मिले भी हैं, कोई बीकानेर मिला है, कोई हमारे गुरुदेव के आश्रम में मिला है जोधपुर, कोई जामसर में मिला है। जी बहुत जी सारे गुरु भाई बहन। हाँ जी, वो कान का पर्दे के बारे में आपको बोले थे ना, एक बार बात हुआ था ना आपका। जी 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 जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। ये अपनी अनुभूतियों को बताएं गुरु भाई जी। जी जी वो पहले, वो 10 साल पहले वो मेरे सिस्टर वगैरह सब ध्यान करते थे। जी जी हाँ, फिर उसके बाद में 2021 से मैं तो हर मंडे को व्रत करता था, और हाँ हर सुबह से पूरा 24 घंटे पूरा सिर्फ पानी पे रहता था हर मंडे को। तब मेरे पास बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं था, और जहाँ भी हाथ डालते थे कुछ भी, जहाँ कुछ ट्राई करे तो कुछ हाथ में नहीं आने का था। कोई भी बिजनेस के लिए प्रदेश से जुड़ने से पहले। हाँ जी, पहले वो पहले से पहले का बात है। अच्छा हाँ, किधर भी जाके ट्राई कुछ भी देखे, कोई बिजनेस सेट होने की बात होती थी, कुछ तो ऐसा बीच में आता था। उसके बाद फिर कैंसिल, पूरा प्लानिंग प्लानिंग पूरा सब कंप्लीट होने के बाद फिर कैंसिल होता था। ऐसा कम से कम 10 बार हो गया। अच्छा हाँ, फिर सिस्टर 2-3 बार बोले ध्यान कर, फिर भी होता है कि नहीं होता है, कि क्या है, कब कोई बस में कर लेगा तो फिर बस वो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ऐसा माइंड में था। फिर भी बोले एक बार 10 दिन के लिए करो, फिर देखेंगे, तो तेरा इच्छा हो तो छोड़ देना। तेरा अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो 10 दिन, एक 10 दिन लिख के ले, 10 दिन, 10 दिन के बाद तेरे को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तू तेरा जो महादेव का कर रहा है वो महादेव का वही करता रहना हर मंडे को। हाँ, उसके बाद ठीक है, एक दिन या बोली जी। फिर एक गुरुवार था, एक दिन वही जून का बात है 2021 का। हाँ जी, जी फिर एक दिन बोला आज गुरुवार है, एक दिन मेरे साथ बैठ के ध्यान कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप बोलिए अपनी मत। हाँ जी, फिर मैंने ठीक है तब ध्यान करेंगे 6-7 दिन, इस गुरुवार से नेक्स्ट गुरुवार तक 7 दिन के लिए करेंगे। ठीक है, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए ध्यान किया कंटिन्यू, सुबह शाम 15 मिनट, सुबह 15 मिनट, शाम को। जी जी हाँ जी, भाई कोई इशू ना तो कैमरा भी खोल लेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, कैमरा तो मैं भी थोड़ा वो हूँ, बाहर हूँ, इधर लाइट नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब भी बात करेंगे तो वीडियो कॉल पे ही, ऐसा मैं कैमरा खोल के बात करूंगा। जी जी ठीक है ठीक है। बताइए बताइए अपनी अनुभूतियों को बताइए आप। हाँ जी, फिर 7 दिन कंटिन्यू अच्छा ध्यान लगा। नेक्स्ट गुरुवार तक मैंने, अब मंडे तो जब करना है तो करेंगे, लेकिन गुरुवार तो मेरी इच्छा है, मैं चालू कर रहा हूँ बोल के बोला मैं। अच्छा हाँ, तब से उस दिन से आज दिन का दिन है, मैं हर मंडे हर गुरुवार को सिर्फ सिर्फ शाम को खाना खाता हूँ, गुरुदेव जी का धूप दे गई, वो मेरी इच्छा से, वो उसमें कोई दिखावा नहीं कुछ नहीं, मेरी इच्छा से मैं जो करता था वो करना मैं कंटिन्यू। हाँ, तब से 2021 से ये 24, 3 साल कंटिन्यू हो गया, अभी जून बोल तो 1-3 महीने और ऊपर हो गए। बहुत बढ़िया, अब मैं पूरी तरह से वेल सेटल्ड हूँ, मेरा CCTV कंप्यूटर पार्ट्स और लैपटॉप पार्ट्स का बिजनेस है अच्छा। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में 2021 में जब बिजनेस करे तब सेल्स भी कम था, धीरे 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 कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर ईयर 30% के हिसाब से। वाह वाह, मतलब जी हर साल आपका बिजनेस का 30% मार्जिन बढ़ रही है।
हाँ वो भी 30% के हिसाब से, समझो 1 CR से अलग तो नेक्स्ट टाइम 130 140 ऐसा पर ईयर के हिसाब से। बहुत बड़ी। और जो मैं तो मृत लाइफ में पूरा जो भगवान थे सब में वो भोपा वगैरह सब देख लिया था, जो जो मेरा कोशिश था वो पूरा कर लिया था मैं। अब तो भाई सारे करते गुरु भाई जी, आप ही नहीं सारे करते। हाँ वो सब क्या, और गांव में तो रहता ही है, गांव में जब एक लड़का अभी 20 साल से ऊपर होने लगा तो काम नहीं कर रहा, बोल तो कुछ तो किसी ने कराया होगा, कोई तो कुछ तो टोना डाला है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो फिर हॉस्टल में अच्छा पढ़ाई करता था, ये कॉलेज भी अच्छा करे, अभी इसको क्या हो गया बोल के बोल रहे सब लोग। अच्छा, हाँ पूरा BSc करे, साइंस में करे, अच्छे परसेंटेज थे, इसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हो रहा, बिजनेस भी नहीं कर रहा, ये मेरे हाँ पिताजी फाइनेंस का काम है वो भी नहीं संभाल रहा, इसको क्या है समझ में नहीं आ रहा बोल के। हाँ और मेरा सर ऐसा था कि मेरा खुद का बिजनेस सेटल करने का था प्रोग्राम, जी ठीक है। अभी घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, करेगा नहीं करेगा बोल, और जहां भी मैं हाथ डाल रहा हूँ हाथ पूरा खाली आ रहा। नुकसान हो रहा है। हाँ नुकसान क्या, काम चालू ही नहीं हो रहा, जाके कुछ भी काम अच्छा डालो, हाँ कुछ भी काम काम हाथ डाले, बात कंफर्म हुआ और लास्ट में जाके करना ही नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, हाँ अब 3 साल से पूरा सुबह से शाम 2 टाइम ध्यान होता, अच्छा सब एक एक नंबर, अच्छा सदा बहुत बढ़िया है जी। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर समर्थ गुरु गुरुदेव के शरण में हम आ जाएं और नियमित नाम जप और ध्यान करें तो हमारी हाँ जी आर्थिक समस्या का भी समाधान इसमें संभव है। आर्थिक को के सारे वो मानसिक इतना माइंड पीसफुल हो गया है, अब क्या होने वाला है वो उसका थोड़ा बहुत मेरे को सेंसेशन वो पहले से हो जाता। और दूसरी बात, मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर का वो थिंकिंग अपने आप मेरे को मालूम पड़ता है कि हाँ ये कस्टमर लेने वाला है, ये कस्टमर खाली जाने वाला है, वो पहले मैं थोड़ा वाह वाह बहुत वाह मैं वाह, हाँ जी 90% तक समझ जाता हूँ, ये कस्टमर को इंटरेस्ट कितना रहना है, ये कितना मार्जिन मिल सकता है, वो पहले से मेरे पास कैलकुलेशन हो जाता है अंदर माइंड में। बहुत बढ़िया। जी, इतनी कृपा है गुरुदेव की, मतलब वो शक्ति पहले ही आभास करवा देती है कि क्या होने वाला है। मैं 2010 के अंदर स्कूल में था, तब हमारे मैं तब मैं जालौर में था, जालौर स्कूल में, जी, वो जोधपुर से आए थे, तब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुदेव का वो तस्वीर वगैरह देखा था, लेकिन क्या वो बच्चे थे तब मालूम नहीं था जी। उसके बाद क्या होता है गुरु भाई जी, हम गुरुदेव कहते नहीं कि जब तक प्रारब्ध कटता नहीं है जी तब तक हम शरण में नहीं जाते ईश्वर के, और ईश्वर भी अपनी शरण में नहीं लेता। हाँ जी लेकिन सिद्ध योग में तो ऐसा है कि इसमें आज आपने अगर समर्पण भाव से गुरुदेव को अपनाया और अगले ही क्षण आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जी सर गुरुदेव इसका उदाहरण भी देते हैं ना राजा जनक वाला, कि राजन क्षण भर की देरी ने लगेगी तेरा बस अहम खत्म हो जाए। हाँ जी, उससे ये मैं 2021 से पहले भी एक बार 20 में एक बार बोले थे, 2020 की बात आई है समथिंग, तब जी, करने का एक दो बार करे, फिर नहीं, फिर कभी बाद में देखेंगे, फिर मैं बोलता हूँ ओम 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 नमः शिवाय ऐसा वो सब करता था हर मंडे को, पूरा फास्टिंग पूरे दिन सिर्फ पानी पे। हाँ पूरा, फिर पहले 50 करे फिर 25 करेंगे ऐसा। अब मैं 2021 से तो कंटिन्यू हर गुरुवार को मेरा हो रहा है कंटिन्यू वाह जी, और फूल लाके और दिया लगा के पूरे दिन उपवास ही रहता है सिर्फ पानी पे। वो तो अपने भाव है गुरु भाई जी, आप गुरुदेव को जो भी करना चाहे वो, आप हाँ गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो अपने गुरु को अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगाया हाँ जी हाँ जी लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतना दिया कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मुझे तो अबाउट टंड कर दिया गुरु दादा गंगाईनाथ जी महाराज ने। जी मुझे, और अब मुझे ऐसा जब मैं रात को सोता हूँ तब भी ऐसा लग रहा है कि आगे इम्प्रूवमेंट बहुत होने वाला है, अभी अभी 1-2 साल में बहुत 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 कुछ होने वाला है मेरे लाइफ की नाम बातें जप में। आपका निरंतर चलता है गुरु भाई जी, चलता बहुत अच्छा चलता, मैं रात को नींद से सो के भी उठता हूँ अच्छा चलता, और वो लोग बोलते नहीं हो रहा, मेरा तो कंटिन्यू ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है, कुछ प्रेशर गिर रहा है कुछ नहीं, अच्छा बहुत अच्छा है, रनिंग है कंटिन्यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जी। और कुछ भी ऐसे रहता होना चाहिए साधकों को।
पूरा समर्पण कर दिया हूँ भी, होए तो अच्छा होता है तो ठीक, कभी एक घंटा नहीं हुआ तो भी वो गुरुदेव अपने आप जब करवाना करवा देंगे बस। जी जी और मेरा ऑफिस के अंदर भी गुरुदेव का जगह जगह फोटो है, वो देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, आराम से खुश हूँ। जी जी हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है ना गुरु भाई। हाँ जी, 25-26 साल की एज है तब सेटलमेंट अच्छा हो गया, 2-3 साल में सब लाइफ अच्छा कर दिया गुरुदेव ने। बहुत बढ़िया, आप मंच पे बने रहे अध्यात्म विज्ञान सत्संग की तरफ से हैंड रेज हुआ, हो सकता है आपसे कुछ बात करना चाहते हो तो मैं निवेदन करूंगा। जी जय श्री गुरुदेव भगवान जी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था, एक गुरु भाई का जो बात बहुत ये लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है, फिर से मतलब चर्चा जारी रखे कृपया, बहुत आनंद आ रहा है। मैं भी वही बोलने वाला था कि आपके जो अनुभव है बड़े अच्छे लग रहे हैं गुरु भाई, जिसको आप कंटिन्यू करें बस। हाँ जी, और सर एक बार 2022 के अंदर पापा जी का फाइनेंस का बिजनेस था, उसके अंदर थोड़ा ड्रॉबैक गिर गया बीच में, एक बड़ी पार्टी थी उसके अंदर 30 लाख के समथिंग पैसा अटक गया। अब वो ठहरा मेरे रिलेशन का, अब हम भी 2-3 बार, मैं भी इधर से कॉल करे, मैं एक्चुअली सर कर्नाटक में रहता हूँ, कर्नाटक में सेटल हो गया। हाँ जी, तो हम भी उधर से कॉल करे देंगे देंगे बोल के, बहुत लंबे टाइम से, 1-2 साल से ऐसा टाइम पीरियड हो गया, नहीं तो उसका इंटरेस्ट आ रहा था, नहीं वो मेन अमाउंट भी आ रहा था। तो हम भी एक बार पिताजी को हम भी कॉल करे इधर से, मैं मेरी सिस्टर, एक बार 7-10 दिन के लिए गुरुदेव को, आप पूरा जो आप दूसरे भगवान को मानते वो का वो सेम धूप दिया क्या करते है वो का वो सेम गुरुदेव को करके देखो, सिर्फ वो करो आप जो करते हो, नहीं नहीं मैं तो धूप नहीं छोड़ूंगा बोल के बोले मेरे को, मैं धूप वगैरह तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मैं करता हूँ वो तो करूंगा, ठीक है आप करो वो भी, लेकिन 10 मिनट हमारे गुरुदेव को भी दो। जी, सिर्फ गुरुदेव को 10 मिनट हमारे दो, फिर आप उसके बाद आपके हमको 10 दिन के बाद हम फीडबैक लेंगे, क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है, नहीं तो हम सॉरी बोल देंगे, ठीक है भाई हमारे गुरुदेव जब करना होगा तब करेंगे। जी, 2 दिन तो पिताजी थोड़ा बोले करेंगे करेंगे, फिर मैं एक दिन मेरी मम्मी को कॉल करके बोला, अब तुम करते हो कि नहीं करते बोल के बोला, तुम करने वाले हो कि नहीं करने वाले, तो वो बोली बेटा ठीक है मैं तो करूंगी, तेरे पिताजी का तू जाने वो दोनों जानो, तुम्हारा काम जाने। अब मैं सुबह शाम दोनों टाइम पे कॉल करता था, सुबह 10 बजे कॉल करता, ध्यान किया नहीं किया तो अच्छा, अब काम भी रहता घर में थोड़ा, तो अब मैं डेली सुबह शाम 2 टाइम कॉल करता, ध्यान किया नहीं किया तो वापस आने ही नहीं किया, अब मैं करने वाली हूँ, फिर मैं आधा घंटा छोड़ के किया कि हाँ किया तब ठीक है, फिर शाम को मम्मी फ्री होती है 7 बजे, तो मैं बोलता ध्यान किया नहीं किया, नहीं अभी मैं ध्यान करने वाली, फिर 2-3 दिन के बाद कि मेरे पिताजी पे कॉल आया, ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ 10 दिन के लिए। अच्छा अच्छा 10 दिन के लिए मैं भी ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है, नहीं तो देखेंगे, नहीं तो फिर वो जो है वो सोचता वो ऐसा चलेगा ही, ठीक है। और उसके आप बात नहीं मानोगे, 7 दिन के अंदर अंदर ही उसके रिलेशन का बोलतो कजन ब्रदर था, वो बाहर रहता, वो भी आगे गाँव में, जिसके हम पैसे मांग रहे थे ना वो वाला पार्टी आगे वाला, तो मैं इधर से कॉल किया वो पिताजी को, वो भी आया थोड़ा बात करो, कुछ सेट हो गया तो अपना अमाउंट रुका हुआ आ जाएगा, तो पिताजी उधर गए और पूरा जो पूरा हिसाब विसाब वो लेके गए सब साथ में, फिर जाके उनके उनके जो कजन थे वो बाहर रहते वो आए, उनको दिखाए ये है, ठीक है तो हम बात करेंगे बोल के बोला वो। तो उस दिन तो पिताजी वापस आ गए शाम को, फिर दूसरे दिन वो कॉल करे, हम सब भाई इकट्ठा हो गए हैं आप आ जाओ अभी, आपका क्या हिसाब पूरा लेके पूरा हिसाब आप क्या लेके आओ, हम इधर आके बात करेंगे। तो वो 10-12 लोग, वो और मेरे पिताजी और मेरे अंकल है, वो दोनों इधर से गए हमारे गाँव से, वहां जाके पूरा बैठे बात करे, सब फिक्स हुआ, बात करे कितना है, मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता, मैं भी लॉस में हूँ, वो बोला ठीक है इंटरेस्ट मत दे, कितना अमाउंट है वो अमाउंट दे दे, तेरे को ब्याज नहीं देना और आगे हुआ तो दे देना, नहीं देता नहीं, वो ब्याज तो मेरे पास नहीं है, मैं इतना मेरे कैपेबल नहीं हूँ भी, नहीं दे सकता हूँ और मैं वो देता हूँ। एक्चुअली सर उसको पूरा बिजनेस अपन ने सेटल करवाया था, उसका एक फैक्ट्री है जी, उसके बाद ठीक है हम परसों तक पूरे उनके भाई वगैरह से मिलके बोले परसों तक हम आपका अमाउंट दे देंगे। परसों फिर पिताजी मेरे को कॉल करे, नहीं कुछ तो है थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा बोल के बोले कुछ तो है कुछ तो है। तो
हाँ कुछ तो तेरे गुरुदेव में है, देख थोड़ा बात बन गया है, देखेंगे आगे 2 दिन, अभी तो 4 दिन और टाइम है 10 दिन होने में अच्छा ऐसा। अच्छा तो मैं बोला अभी 4 दिन है, 4 दिन तक देखो क्या होता है। फिर चार दूसरे दिन दिन बाद बोलेंगे सब कुछ है। अच्छा फिर दूसरे दिन शाम को वो आगे वाला पार्टी और 2 लोग साथ में आए और 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख। वाह वाह, अरे हाँ फिर पिताजी कॉल करे, वो उधर ही बैठे थे भाई, आओ चमत्कार हो गया बोल के बोले हम चमत्कार तो हो गया। हो गया बोल के बोले नहीं, मैं बोला नहीं नहीं आप तो नहीं मानोगे ना, अरे मानोगे क्या, आप तो जान लिया ना, मानने का जरूरत, काम खत्म हो गया अभी। अच्छा फिर अभी तो उसके 3रे दिन में पूरा अमाउंट आ गया था। वाह वाह वाह, हाँ पूरा पूरा जितना अमाउंट था वो ब्याज, तो हम खुद बोले कि नहीं है तो कोई बात नहीं, वो छोड़ो कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन जितना जो अमाउंट था 35 था, 30 34 समथिंग आ गया था पूरा। जी गुरुदेव गुरुदेव क्या कहते हैं ना, मैं सद्भाव के साथ प्रणाम कर लो इतना ही जी काफी है, हाँ जी झुक करके प्रार्थना कर लो इतना ही काफी है, हाँ जी लेकिन उस झुकने में भाव होना चाहिए। गुरु भाई जी, बिल्कुल जी आपके पिताजी ने जो करोड़ प्रार्थना की होगी अंदर से, हाँ जी जी गुरुदेव तक पहुंची है और उस समस्या का समाधान तुरंत हुआ। जी अभी मैं पिताजी कॉल करता सीधे पहले कुछ जय गुरुदेव बोल के बोलते, कॉल करने के बाद हाँ उनको वो तो मैसेज सारे गुरु सुन। सारे शिष्य हो जाते हैं ना, चाहे वो पिताजी हो चाहे माता जी हो चाहे वाहन हो, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, हम किसी को प्रणाम नहीं करते, जब फोन करते हैं तो उधर से जय गुरुदेव ही आता है संबोधन। बोलते हैं अभी हमारा पूरा वही पूरा आदत हो गया सबका जी। जबकि मेरी छोटी बहन बंबई में रहती है, किसी और गुरु को मानती है, लेकिन जी जी कहती है कि भाई साहब जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल हम कोई जानते हैं जी गुरु में कितना पावर होता है। तो जी बिल्कुल मैंने कई बार प्रयास किया कि आप गुरुदेव से जुड़ो, लेकिन देखिए अब क्या है ना, अब किसी को अपने गुरु में, गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कोई गुरु है आपका काम चलता है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई, बिल्कुल, मैं भी मेरे क्लाइंट लेकिन के मेरे पास आना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, वेरी फ्रैंक, बिल्कुल वो तो अपने आप छूट ही जाता है तभी सर। रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी जब आप एक 10 दिन के लिए, मैं 10 दिन का बोल के आया था शिव जी का, सिर्फ 10 दिन का छोड़ के आप 10 का, अभी तो जाने का मन ही नहीं किधर भी। जी हाँ वही आपने बोला कि 10 दिन तो कम से कम कर लीजिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिएगा। हाँ मुझे भी सिस्टर ने 10 दिन तो आप एक ट्राई कीजिए 10 दिन के लिए, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या बताए। वाह वाह वाह, आपके साथ भी हुआ, आपके पिताजी के साथ भी हुआ। जी मैं मेरे क्लाइंट को भी बोल रहा हूँ, क्लाइंट थोड़ा नहीं मान रहे मेरे कस्टमर वगैरह, मैं बोलता हूँ उनको गुरु भाई जी हमारा काम क्या है बताना, जी। आप बता दीजिए, आप अपनी सेवा से मुक्त हो गए। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप ये पोस्ट कार्ड पकड़ा दो, जी बिल्कुल उसको शरण में लेना होगा नहीं लेना होगा मेरी मेरा काम है, जी, मेरे सिस्टर तो तो बहुत आधुनिक लग... भारत है। हाँ जी अब जो अगर 6 महीने के बाद में कुछ होने का है तो मेरे को एक रात में एक ऐसा सपने जैसा फील होता है,